रोहित शर्मा ने 5 छक्के मार कर भाई मिचेल स्टार्क के कमर की हड्डी तोड़ दी। मजे ही मजे इसकी माँ का। ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा दिया। आज पाकिस्तान भर में मायूसी है। तेरी माँ मर गई है और सरहद के उस पार खुशी मनाई जा रही है। अब कौन थे वो लोग जो ये कहते थे कि रोहित शर्मा लेफ्ट आर्म बॉलर के सामने संघर्ष करते हैं, तकलीफ में पाते हैं। भैया आज रोहित शर्मा ने अपने सारे आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। क्या बैटिंग की है भाई साहब। पूरे वर्ल्ड कप में आज नजर आया हमें हमारा रोहित हिट 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 मैन। रोहित शर्मा लगता है आज जो है वो पूरा इंडियन हुल्क बन के उतरे हैं और आज उसको बॉल कुछ ज्यादा ही बड़ी दिख रही है। मजे ही मजे इसकी माँ का। 25 करोड़। हाय अल्लाह। इंडिया की मैं कितनी तारीफें करूँ इस मैच में, इंडिया की इस बॉलिंग की मैं कितनी तारीफें करूँ, मैं कितनी तारीफें करूँ। हाय अल्लाह। लेकिन इंडिया की टीम जो है वो यानी उसकी वो 11 लड़के नहीं है, वो एक टीम है। जहाँ एक नहीं चलता है तो बाकी पूरा कर लेते हैं। और नहीं तो क्या। जबरदस्त पारी भाई रोहित शर्मा की। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मैं तो कुछ वीडियो एडिट कर रहा था, वीडियो सब गए साइड में, पहले बैटिंग देखेंगे भाई की। मजा आ गया। क्या बैटिंग की। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंडिया विन करेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो उन्होंने लिया ना, बांध के लिया उन्होंने। हैट्रिक मारने वाले, दो दो हैट्रिक मारने वाले को जो है वो भी छक्का खा गया, लंबा छक्का भाई। अभी कॉल आया है भाई एयरलाइन से कि भाई हमारे हवाई जहाज के शीशा टूट गया भाई। मजे ही मजे इसकी माँ का। मजा आ रहा है भाई। हिस्ट्री की सबसे बड़ी और बेहतरीन इनिंग जो मैंने देखी है मेरी एज में, वो आज इंडिया खेल गया। बारिश आई जब तो मैं एक बार थोड़ा सा घबरा गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया है, रोहित शर्मा की जो ले बनी हुई है वो टूटनी नहीं चाहिए। लेकिन खैर ठाकुर जी की कृपा हुई और जल्दी से बारिश बंद हुई और मैच शुरू हो गया। और रोहित शर्मा ने जो बैटिंग की अब इन कंगारुओं के सपने में भी ना रोहित शर्मा आया करेगा। जैसे शेन वार्नों के सपने में सचिन तेंदुलकर आया करता था ना, वैसे आज इन सारे कंगारुओं के सपने में रोहित शर्मा के छक्के आएंगे। बस माइटी ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा दिया, माइटी ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा दिया आज इंडिया ने। तो इंडिया जिस तरह से नंबर वन होता चला जा रहा है। इंडिया की टीम जो है वो यानी उसकी वो 11 लड़के नहीं है, वो एक टीम है। जहाँ एक नहीं चलता है तो बाकी पूरा कर रहे। एक टीम है तो दुनिया में जाके डोमिनेट कर रहे हैं। हाँ। किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहे। शानदार किस्म की फतह जो है वो हासिल कर चुका है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। छा गया इंडिया ठा करके। इंडिया इस टाइम टॉप पे ही है। सही है, इंडिया वर्ल्ड कप विन करेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओल्ड रोहित शर्मा, द किलिंग रोहित शर्मा, द रो सुपर हिटमैन रोहित शर्मा इज ईटिंग ऑस्ट्रेलियंस। यार क्या धागा खोल के रख गए ऑस्ट्रेलियंस का। मुगेम्बो खुश वक। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया जनाब, बाहर हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो बाहर हो गया। किट्टू खुश हुआ। उनको पता है कि ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिसने हमें फाइनल हराया था और हमारे पास इससे ज्यादा बड़ा मौका नहीं हो सकता। पिछली हार का बदला उतारे। और ये वही ऑस्ट्रेलिया टीम है ना जो वर्ल्ड कप से पहले बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। सारे कहते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से पहले इजीली लेना, जब वर्ल्ड कप आता है ऑस्ट्रेलिया स्ट्रांग हो जाती है। और इस ऑस्ट्रेलिया को क्या बीमारी पड़ गई है कि इंडिया के सामने इनकी टांगे गीली हो गई है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। रोहित शर्मा ने तो शानदार बैटिंग की ही, लेकिन आज हमारे सुपरस्टार किंग कोहली नहीं चल पाए। नील बट्टा सन्नाटा। बिल्कुल पाकिस्तानियों की तरह जीरो अंडा। लेकिन भाई विराट का हिस्सा जो है वो रोहित शर्मा डाल रहा है कि भाई मैं कैप्टन हूँ। मजे इसकी माँ का। इसके ट्रिप के पैसे मैं दूंगा भाई। मजा आ गया इसकी माँ का। 25 करोड़। रोहित शर्मा स्टार्टिंग ऑफ एंड वंस रोहित शर्मा शुरू हो जाते हैं तो ये तो हसन अली ने भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जिस दिन रोहित शर्मा का दिन हो उस दिन सारे बॉलर्स का दिन खराब हो जाए। और शुभम दुबे भी अच्छा खेला, हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी पारी खेली, सूर्य कुमार ने भी अच्छी खेली। ओवरऑल अगर इंडिया की बैटिंग की बात करी जाए तो सब ने थोड़ा थोड़ा अपना योगदान दिया और भारत के स्कोर को 200 के पार ले गए। 200 के पार। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आज मैच था, आपने मैच देखा? जी बिल्कुल देखा है। सबसे पहले तो मुझे बताएं एज ए पाकिस्तानी जो इंडिया मैच जीता है क्या कहना चाहेंगे आप, सबसे पहले ये बताएं, फिर उसके बाद ये पूछते हैं क्यों जीता कैसे जीता।
देखें जी, उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया है और दूसरा ये है कि उनकी गुड लक थी। जली ना, तेरी भी जली ना। मिचेल स्टार्क, कुछ लोग बोल रहे थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो है मिचेल स्टार्क नहीं था, इस वजह से थोड़ा गेम हार्ड हो गया। आज तो मिचेल स्टार्क का पेम्पर ही उतार दिया भाई, मजे ही मजे इसकी माँ का। हर चीज इनकी तरफ सही जाती है, मतलब अगर आप फंड्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप माइलस्टोन्स की बात करें, फैन फॉलोइंग की बात करें, इंटरेस्ट पूरी दुनिया का होता है इनमें। लेकिन हम बहुत खौफजदा हो गए, नाराज हो गए, खफा हो गए कि वो मैच हार गए ऑस्ट्रेलिया। हम तो सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ही जीत जाएगा, लेकिन इंडिया ने जीत गया। इंडिया इस टाइम टॉप पे ही है, सही है, इंडिया वर्ल्ड कप विन करेगी इंशाल्लाह। इंडिया इस टाइम बहुत अच्छी टीम जा रही है, उन्होंने आज का मैच विन किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंडिया विन करेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो उन्होंने लिया ना, बांध के लिया उन्होंने, कमाल कर दिया। ऑस्ट्रेलिया वाले परेशान हो गए, इकोनॉमिक्स में सबसे इकोनॉमिक जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, कहते हैं क्रिकेट का है ना किंग है ये ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट का ये कहाँ से, आज देखें क्या हाल हुआ है ऑस्ट्रेलिया। मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया वाले आप जो है ना वो सोच रहे हैं कि केड़े रिपोर्ट तो जेड़ा है ना। आधा मैच नहीं देख पाया मैं, लेकिन ओवरऑल बड़ा ही जबरदस्त मैच, और हम इसी तरह की क्योंकि दोनों टीमें बड़ी थी, अच्छा करके ऊपर गए हुए थे, और हमें उम्मीद भी थी कि अच्छा मैच ही होना चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के अंदर अच्छे मैचेस बड़े कम नजर आए हमें देखने को। अब मैं तो बस एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि अफगानिस्तान कल सुबह बांग्लादेश वाले मैच के अंदर हरा दे इनको, इन बंगाल टाइगरों का नागिन डांस निकाल दे जैसे भारत ने निकाला, इनकी पीपनी बजा दे बढ़िया तरीके से। इससे होगा ये है कि बांग्लादेश भी आउट हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया भी आउट हो जाएगा। चमत्कार हो जाएगा भाई, चमत्कार हो जाएगा। इन ऑस्ट्रेलियंस को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की कदर भी नहीं है वैसे, क्योंकि ये लोग बहुत बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत चुके हैं, इनको याद भी नहीं है कि कितनी बार हम जीत चुके हैं, तो इनको कदर भी नहीं है। रोहित शर्मा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर, उसका एग्जाम्पल उसके क्या कहते हैं, स्टैट स्पीक्स देमसेल्फ। उसकी वजह पता है क्या है, ट्रिपल 200 किए उसने, 264 इन 50 ओवर्स गेम, इट्स अमेजिंग परफॉर्मेंस। वो करता क्या है कि वो जब सेट होता है ना, वो फिर अपनी विकेट को ना जाने नहीं देता। आपने एशिया कप में देखा था, शदाब से आउट हुआ था वो मिड ऑफ पे, इन साइड आउट मारते हुए, और वो 50 पुश कर गया था उस वक्त, उसको पता था कि मैंने 150 मिस किया। ऐसे बैट्समैन वो मैं देख रहा था डग में बैठे, नॉर्मली वो ना इंजमाम की तरह बड़ा कूल एंड बहुत क्रेजी एलिगेंस जो बार बार कहते हैं, एग्जैक्टली। मगर जब उसको पता चला ना कि मैंने ये गंदी शॉट मार दी और मुझे आउट नहीं होना चाहिए था, उसके ऊपर वो हर्ट होता है। इसलिए ये जो प्लेयर है रोहित शर्मा, ही इज वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर। और जाते जाते मैं यही बोलूंगा कि मैंने कहा था ना आपको, हरी जर्सी वालों को देखते ही भारतीय टीम पहलती है। हाँ भाई हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया वालों अपनी ड्रेस का कलर ना वापस से पीला कर लेना, नहीं तो ऐसे पहले जाओगे। जितने भी हरी ड्रेस वाले थे, आयरलैंड था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अब ऑस्ट्रेलिया, सब पहले गए। और आप लोगों के जो भी विचार हो कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट कर सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो आता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।